बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर बशारतुल्लाह, वंस अगेन डिलीवर द सेकंड लेक्चर टू यू। दिस लेक्चर इज अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस लेसन इज अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी, व्हाट वी कॉल इन उर्दू मुख्तसर कहानी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द नेम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी टूडे वी विल डिस्कस अबाउट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिट इज आवर टॉपिक टूडे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज लैम ओ फ्लेअर्टी, लैम ओ फ्लेअर्टी। थोड़ा बेटा राइटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वो कब पैदा हुआ था, कब फोत हो गया था, कहाँ का रहने वाला था। बेटा लैम ओ फ्लेअर्टी वॉज बॉर्न इन 1896 एंड ही वॉज बॉर्न इन 1896 एंड ही वॉज डाइड एट 1984। Where he was born? He was born in Ireland. He was born in Ireland. It means that he was one of the Irish person. He belongs to Ireland. वो Ireland से बेटा ताल्लुक रखता है, इसी वजह से हम उनको Irish भी कह सकते हैं, Irish। और Irish जो है, और बेसिकली उसका राइटिंग जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो क्या है राइटिंग में? राइटिंग में जो है बेटा वो नावलिस्ट है। नावलिस्ट से मुराद ये है कि वो नावल लिखने वाला है, अफसाना निगार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बेटा उसने एजुकेशन कहां हासिल किया था? एजुकेशन जो है बेटा उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन जो है वहां पे जो है उसने एजुकेशन हासिल किया था। देखो बेटा उसको जो है एक लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी जो है समझा जाता है। 20th सेंचुरी में वो एक वेल नोन, एक इंतहाई फेमस नॉवलिस्ट जो है वो समझा जाता था 20th सेंचुरी का। देखते हैं बेटा कि उसके राइटिंग की जो पिक्यूलियर क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है, उसके राइटिंग में क्या कुछ हमें नजर आता है, उसके राइटिंग के पिक्यूलियर क्वालिटी जो है वो क्या है। बेटा इसको समझना इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये पिक्यूलियर क्वालिटी हमने उसके शॉर्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट में ये पिक्यूलियर क्वालिटी जो है हमने वहां पर देखना है कि क्या वाकई ये पिक्यूलियर क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके राइटिंग के, क्या वो जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट में मौजूद है। एग्जामिनर भी जो है बेटा इसके बारे में आपसे सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। करेक्टरिस्टिक क्या है? स्टॉक नेचुरलिज्म। स्टॉक से मुराद है वेरी क्लियरली विजिबल, साफ सुथरा, शोज नेचुरल ऑब्जेक्ट, के उसके राइटिंग में कुदरती चीजें, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आएंगे, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो जो है उसमें क्लियरली नजर आएंगे। नेचुरल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? नेचुरल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है बेटा कि उसमें जो है ओशियन नजर आएगा, उसमें माउंटेन्स जो है वो नजर आएंगे, उसमें जो है बेटा स्काई, उसमें बेटा एयर, और उसमें जो है माउंटेन्स, रॉक्स जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ट्रीज वगैरह जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ये आपको नजर आएंगे। हिज पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज नावल शोज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, उसके राइटिंग में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे, माउंटेन्स नजर आएंगे, ओशियन नजर आएंगे, रॉक्स नजर आएंगे, एयर वगैरह नजर आ जाएगा। अगेन सेकेंड पिक्यूलियर क्वालिटी ऑफ उसके राइटिंग की क्या है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस।
साइकोलॉजी से मुराद है द स्टडी ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ साइकी। उसके राइटिंग में आपको साइकी, उसमें जो है आपको माइंड का जो मुताला है वो आपको नजर आ जाएगा। किस तरह? क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में करेक्टर होते हैं, तो ये राइटर इतना जबरदस्त किस्म का राइटर है कि वो माइंड के अंदर घुस जाता है, माइंड के अंदर चला जाता है, करेक्टर के अंदर, जो उसके माइंड के अंदर जो कुछ मौजूद होता है, उसके माइंड के अंदर जो कुछ जो है चल रहा होता है, उसके बारे में भी बेटा वो हमें बता देता है। करेक्टर के अंदर वो बातें जो हमें रियल लाइफ में पता नहीं होती है, जो हमें जाहिर नहीं होती है, उस जो अंदर माइंड के अंदर जो बातें चल रही होती है वो भी हमें साथ साथ बता देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो साइकी जो है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है बेटा, वो भी हमने देखना है। तो लिहाजा दीज टू करेक्टरिस्टिक्स स्पेशली अबाउट हिज राइटिंग इज वेरी फेमस एंड यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग अबाउट नेचुरलिज्म, about the natural objects as well as psychological analysis, see that when and where the writer goes in the side of the माइंड ऑफ द करेक्टर, कि वो करेक्टर के अंदर उसके ज्ञान के अंदर किस तरह जाता है और वहां से हमें बातें बता देता है, ये भी शार्पली हमने देखने हैं। तो आओ बेटा आते हैं किताब की तरफ, हिज फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करते हैं बकायदा, फिर हमने इसमें ये करेक्टरिस्टिक्स जो है, स्टॉक नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो भी देखना है। पेज नंबर 14, हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी पहली उड़ान, दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हियर अगेन there is something significance about the title, because the title doesn't show us whose first flight, yeah, what is, who is, kaun hai, kya hai jo uski pehli flight hai। dekho beta yahan pe writer jo hai aapke andar suspense create karta hai ताकि आपको कहानी जो है आप इसको एंटरटेन करें, एंजॉय करें, ताकि आप मजीद जो है इसको पढ़ें कि ये फ्लाइट जो है ये किसके बारे में है, कौन है जो उसकी पहली फ्लाइट है। तो आते हैं इसको देखने के लिए। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेजर, द यंग सीगल वॉज अलोन, अकेला था ऑन हिज लेजर, अपने चट्टान पर। बेटा लेज जो है ये चट्टान या किसी पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं लेज, जैसा कि मैंने मीनिंग में लिखा है, लेज यानी रॉक, उभरा हुआ हिस्सा। यंग सीगल अपने चट्टान पर अकेला खड़ा था या अकेला था, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड ए सिस्टर, और उसकी बहन, हेड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहली ही उड़ान भर चुके थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले। इसका मतलब ये हुआ कि यंग सीगल अपने राग पर अकेला क्यों हो गया था, क्योंकि उसके दो भाई और एक बहन जो है वो एक दिन पहले उड़ान भर चुके थे, और इसी वजह से बेटा वो अपने लेज में अकेला रह चुका था। ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरता था, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने से। अब ये यंग सीगल जो था अपने बहन और भाइयों के साथ उड़ने से डरता था। अभी हमें मालूम हुआ कि ये फ्लाइट जो है ये किसके बारे में है, द यंग सीगल के बारे में। द यंग सीगल है जो राइटर उसके हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बता देता है। उसके दो भाई और एक बहन पहले उड़ान भर चुके थे, और वो अपने
चट्टान पर अकेला खड़ा था क्योंकि वो डरता था, वो उड़ान नहीं भर सकता था उनके साथ क्योंकि वो जो है उड़ने से डरता था। बेटा यही मेन रीजन है उसको न उड़ने का कि वो उसके अंदर फियर आ जाता है, जब कभी वो उड़ता है तो वो जो है उड़ने का काबिल नहीं रहता। Somehow, किसी न किसी तरह, when, जब ही है ठिकन अ लिटल रन, जब वो थोड़ा सा दौड़ता हुआ फॉरवर्ड आगे की तरफ, जब कभी किसी न किसी तरीके से वो आगे की तरफ थोड़ा दौड़ लगा देता है टू द ब्रिंक, और वो जो है बेटा किनारे तक पहुंच पाता है ऑफ द लेज चट्टान के उस निकली हुई हिस्से तक, एंड अटेम्प्टेड और कोशिश करता है टू फ्लैप, पड़पड़ाने की हिज विंग्स, अपने परों को, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है। किसी ना किसी तरह जब कभी वो आगे की तरफ दौड़ता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच पाता है और अपने परों को पिड़पिड़ाने की कोशिश करता है तो वो बेचारा डर जाता है और डरने की वजह से वो उड़ नहीं सकता है। द ग्रेट एक्सपेंस वसी और इज, दूर तक पहला हुआ सी समंदर, स्ट्रेच डाउन नीचे की तरफ पहला हुआ है बीनीथ नीचे। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, दूर दराज तक पहला हुआ स्ट्रेच डाउन नीचे की तरफ पहला हुआ बीनीथ नीचे, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, और ये इतना दूर तक नीचे पहला हुआ है, माइल्स डाउन कई मीलों तक का नीचे। यानी समंदर के बारे में बताया, देखो बेटा नेचुरलिज्म, नेचर की बात शो हो गई, लेज चट्टान नेचर की बात शो हो गई। अभी साइकोलॉजिकल एनालिसिस, हमें तो पता नहीं है कि वो क्यों नहीं उड़ सकता है, लेकिन राइटर उस यंग सीगल के जहन के अंदर गया और वहां से हमें बताया कि वो उसके अंदर डर पैदा होता है, फियर पैदा होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता है। तो दोनों चीजें नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमारे सामने आ गई। ही फेल्ट सर्टन, वो यकीनी तौर पर महसूस करता था दैट इज विंग्स, कि उसके पर वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको कभी सहारा नहीं देगा, उसे अपने परों पर एतमाद ही नहीं था। सो ही बेंट, बस वो मुड़ा His head, अपने सर को, and ran away back, और वापस की तरफ दौड़ पड़ा to the little hole, उस छोटे सुराह में, under the ledge, यानी चट्टान के नीचे, where he slept at night, जहां पे वो रात को सोया हुआ था। Even when, हत्ता के जब each of his brother and his little sister, उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings, जिनके पर, were far shorter, कमजोर थे, छोटे थे, than his own, उसके परों की नस्बत, क्योंकि बेटा ये यंग है और वो जो है वो छोटे हैं, तो लिहाजा उसके भाइयों और उसकी एक बहन, उसके पर इसकी नस्बत इंतहाई छोटे हैं, फिर भी वो उड़ान भर सके। रेन टू द ब्रिंक, और वो जो है बेटा किनारे तक दौड़ चुके हैं, फ्लैप देयर विंग्स, अपने परों को पिड़पिड़ा चुके हैं, एंड फ्लो अवे, और हवा में उड़ चुके हैं, लेकिन वो उड़ न सका। ही फेल्ड, वो नाकाम हुआ टू मस्टर अप, टू कंट्रोल, काबू करना, करेज, उस हौसले को, टू टेक दैट प्लंज, उस चलांग लगाने के लिए, उस उड़ने के लिए, प्लंज जंप, उसके पास चलांग लगाने के लिए,
उड़ने के लिए वो हौसला नहीं रहा, विच अपियर टू हिम अवर ये हौसला, जो उसको जाहिर हो रहा था, सो डिस्पेरेट, इंतहाई परेशान कौन, उसको ये हौसला और ये उड़ना और ये करेज इंतहाई परेशान कौन था, क्योंकि इस करेज जो है उसमें कमी की वजह से वो उड़ न सकता था। हिज फादर एंड मदर, उसका बाप और वालिद, हेड कम अराउंड, उसके पास आस पास आए थे, कॉलिंग टू हिम, उसको बुलाते थे श्रेली तेज आवाज के साथ, यानी शार्प साउंडेड, तेज आवाज के साथ, अपब्रेडिंग हिम, उसको मलामत करते थे, स्कूल्डेड, अपब्रेडिंग मींस स्कूल्डेड, स्कूल्डिंग, बुरा भला कहना, मलामत करना, थ्रेटनिंग, धमकी देते थे, वार्न, धमकी देना, टू लेट हिम स्टरो, कि वो वहां भूख से मर जाए, ऑन हिज लेज, अपने घोंसले पर, अनलेस उस वक्त तक ही फ्लो अवे, जब तक कि वो न उड़े। वालिदैन, माँ और बाप उसके पास आए, इर्द गिर्द तेज आवाज दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और ये धमकी दे रहे हैं कि भूख की वजह से लिच के अंदर मर जाए, जब तक कि वो उड़ न सके। हमसे तवक्को नहीं करना कि हम आपको खाना देंगे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन जिंदगी के खातिर, ही कुड नॉट मूव, वो बेचारा उड़ न सका। उसे अपनी जिंदगी बहुत अजीज थी, और वो अपनी जिंदगी के खातिर कि कहीं ये जिंदगी मौत में तब्दील ना हो जाए, तो इसी वजह से वो हरकत में ना आ सका, इसी वजह से वो उड़ न सका। बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देट वॉज 24 आवर्स एगो, बेटा ये 24 घंटे पहले की बात थी, जो कुछ ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा, ये बेटा 24 घंटे पहले की बात थी। उस वक्त से, यानी एक दिन से, 24 घंटों से, सिंस देन, तब तक नोबडी, हेड कम, कोई भी उसके पास नहीं आया था, नियर हिम, उसके पास, उसको वहां पे अकेला छोड़ दिया था। 24 घंटे हो चुके हैं। द डे बिफोर, पूरा दिन, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, मुकम्मल पूरा दिन, ही हैड वॉच, ये बेचारा देखता रहा हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन को फ्लाइंग, उड़ रहे थे, अबाउट विद हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, उसके वालिदैन को वो देख रहा था, और अपने भाइयों को देख रहा था, एंड सिस्टर और बहन को, कि वो उनके साथ उड़ रहे हैं, परफेक्टिंग देम, उनको परफेक्ट बना रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का आर्ट, उड़ने का फन सिखा रहे थे। उनके वालिदैन उनको द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने का फन सिखा देते थे, और ये बेचारा अपनी जगह पे खड़ा था और देख रहा था। टीचिंग देम, उनको पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, हाउ टू ग्लाइड, किस तरह छापा मारना है, द वेव्स, लहरों के ऊपर, एंड हाउ टू डाइव, और किस तरह नीचे की तरफ गोता लगाना है फॉर फिश, मछलियों को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट, हकीकत में वो सीन, वो ये भी देख चुका था, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को केच पकड़ा, हिज फर्स्ट हेरिंग, जो उसने पहला हेरिंग पकड़ा था, हेरिंग काइंड ऑफ फिश, काइंड ऑफ फिश, टाइप ऑफ फिश, मछली की एक किस्म है हेरिंग। हकीकत में उसने यह भी देखा था कि उसके वाले, कि उसका भाई, जो उसने पहला मछली पकड़ा था,
एंड डावर इट, और इसको निगल रहा था। स्वालो, निगलना, डावर स्वालो, निगलना स्वालो, इट मछली को, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो उसका भाई जो उसने पहला मछली का एक किस्म पकड़ा था और इसको निगल रहा था, वो चट्टान पर खड़ा था। While his parents, जबकि उसके वालिदैन circled around, उसके आस पास घूम रहे थे, raising, आवाज उठा रहे थे, a proud cackle, फहरिया आवाज, शाबाश दे रहे थे, proud, फहरिया, cackle, खाएं खाएं, आवाज देना, जो यंग सीगल के होते हैं। And all morning, और तमाम सुबह, the whole family, तमाम के तमाम खानदान वाले, had walked, चलते रहे थे, about, on the back plateau, एक बड़े टीले की ऊपर, आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रहे थे, down, नीचे, the opposite cliff, बिलमुकाबिल चट्टान पर, जो उसकी चट्टान जिसके ऊपर वो लिच के अंदर, राख के अंदर जहां पे वो खड़ा था, वहां से वो चट्टान नीचे बड़ा खूबसूरत तरीके से नजर आ रहा था। तो वो देखता रहा और वहां से उसके टंटिंग हिम, वहां से उसको ताना दे रहे थे, फॉर स्कॉर्डर्स, उसके बुजदिली का। देखो बेटा, ये दो पैराग्राफ आपके हो चुके हैं। देखो बेटा, अभी हमने दो पैराग्राफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि शॉर्ट स्टोरी है, लैम ऑफ फ्लेयर्टी ने लिखा है, उसके दो पैराग्राफ हमने स्टडी किए। अब आते हैं बेटा थोड़ा शॉर्ट स्टोरी के बारे में, कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्या होता है, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी का डिफिनीशन और शॉर्ट स्टोरी के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, जो बेसिक एलिमेंट्स है शॉर्ट स्टोरी को बनाने के लिए, उस पर जो है बोर्ड से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और जब तक आपके शॉर्ट स्टोरी के बेसिक एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके बारे में आपको मालूमात ना हो, और या वो टर्म जो यूज होते हैं, जो लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं, या शॉर्ट स्टोरी के जो टर्म्स होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, उनको भी समझना इंतहाई जरूरी है। अदरवाइज वो क्वेश्चन, अगर अनसीन कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के पेपर में, तो फिर आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखो बेटा, आते हैं शॉर्ट स्टोरी। जैसा कि बेटा शॉर्ट से मालूम होता है कि ये कहानी मुख्तसर होगी, ऐसी कहानी जो मुख्तसर है। शॉर्ट स्टोरी की बहुत सारी डिफिनीशन है, लेकिन वो डिफिनीशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि किसी भी स्टोरी को अगर आप पढ़े इन अ सिंगल सिटिंग, एक ही नशिस्त पर आप बैठी हुई हैं, आपने एक कहानी अपने सामने रखा और आपने उसको पढ़ लिया बगैर सिटिंग को चेंज करती हुई, बगैर वहाँ से उठी हुई, एक सिंगल नशिस्त में आपने एक कहानी को पढ़ लिया, वो शॉर्ट स्टोरी है। तो शॉर्ट स्टोरी यही है जो कि आप सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी डिफिनीशन है, लेकिन ये डिफिनीशन जो है मुझे अच्छा लगा है। आते हैं शॉर्ट स्टोरी जो है बेटा, ये किस तरह मुख्तसर होगा, क्योंकि जब इसके अंदर स्टोरी है तो स्टोरी को बारे में बताने वाला और स्टोरी को डेवलप करने वाला, इसमें किरदारें होती है, करेक्टर्स होते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में करेक्टर्स जो होते हैं वो दो या तीन करेक्टर्स होते हैं बेटा,
जब आप किसी भी कहानी लिखते हैं और कहानी में आप दो या तीन करेक्टर्स के बात करते हैं तो वो कहानी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। अगर आपकी कहानी का जो सिटिंग है यानी प्लेस जहां पे करेक्टर्स जो है जिनके लिए सिटिंग का होना यानी टाइम एंड प्लेस का, अगर सिटिंग एक है, प्लेस आप बार बार चेंज नहीं करते हैं, सिटिंग चेंज नहीं करते हैं, तो वो कहानी फिर भी शॉर्ट स्टोरी बन जाएगी। इसी तरह शॉर्ट स्टोरी की थीम जो होते हैं वो भी बड़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि लिमिटेड थीम पर आपकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिमिट में आ जाती है, मुख्तसर होती है। तो आते हैं बेटा शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में। शॉर्ट स्टोरी में जो पहला एलिमेंट्स है वो है स्टोरी। देखो बेटा स्टोरी क्या होता है, स्टोरी जो है अरेंजमेंट ऑफ पास्ट इवेंट्स या चेन ऑफ पास्ट इवेंट्स, माजी में गुजरी हुए इवेंट्स का तरतीब से लाना, वाकयात को तरतीब से लाना, इसको हम कहते हैं स्टोरी। लेकिन बेटा स्टोरी के मुतबादिल एक और लफज भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्लॉट। बेटा स्टोरी और प्लॉट में फर्क है। वो राइटर जो बड़ा पोंचो होता है और वो राइटर जो फेमस होता है वो ज्यादातर स्टोरी की निस्बत प्लॉट को ज्यादातर कंसिडर करता है, वो प्लॉट पर जो है बेटा ज्यादा जोर देता है, क्योंकि बेटा स्टोरी जो होती है हमेशा प्लेन होती है, जबकि प्लॉट जो होता है ये हमेशा के लिए इसमें करो होता है, इसमें सस्पेंस होता है, जबकि स्टोरी में इतना सस्पेंस नहीं होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि प्लॉट जो होता है इसमें भी अरेंजमेंट ऑफ पास्ट इवेंट्स होते हैं, माजी के इवेंट्स जो के तरतीब से आ रहे होते हैं, लेकिन उन में काज एंड इफेक्ट होता है, वजह क्या है और उसका असर क्या है। प्लॉट में देयर इज अ काज एंड इफेक्ट, देयर आर आल्सो इवेंट्स, बट इन द स्टोरी देयर इज नो काज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल The king died and the queen died. Is a story. बादशाह मर गया और उसकी बीवी जो है मलिका वो भी मर गई। सिर्फ इवेंट्स हैं, लेकिन इसमें कोई काज एंड इफेक्ट नहीं है कि बादशाह मर गया, मलका क्यों मर गई। इसका प्लॉट यह होगा द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। बादशाह मर गया और साथ जो है मलका मर गई, लेकिन मलकी की वजह क्या थी क्यों मर गई? क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त न कर सका, इसी वजह से जो है वो मर गई। यहां पे सिंपल बात है स्टोरी में, बादशाह मर गया और उसकी बीवी या मलिका मर गई, लेकिन यहां पे काज इन इफेक्ट है जो कि सस्पेंस क्रिएट करता है। The king died and the queen died. Why the king died? Because she did not bear the grief and that is why she also died. तो प्लॉट जो होता है उसमें हमेशा के लिए कॉज एंड इफेक्ट होता है, जबकि स्टोरी में ये नहीं होता है। कभी कभार बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है
एक्सप्लेन द शॉर्ट स्टोरी हैज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय फ्लैम ओ फ्लेयर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट, प्लॉट की बुनियाद पर, काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पर कहानी जो है शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करे। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फिर आपने पूरी कहानी में काज एंड इफेक्ट को ढूंढना है। अभी यहां पे काज किया है हिज फर्स्ट फ्लाइट में, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, द फियर इन हिज माइंड, दिस इज एक्चुअली द काज। और उसका इफेक्ट किया है, उसका इफेक्ट यह है कि वो उड़ नहीं सकते वो डरने की वजह से, और उस डरने की वजह से उसका इफेक्ट यानी वो भूखा रह गया। तो ये काज एंड इफेक्ट है जो कि यहां पे इसमें मौजूद है। आते हैं करेक्टर्स की तरफ। ये करेक्टर्स होते हैं जो कि प्लॉट या स्टोरी को आगे की तरफ डेवलप करते हैं। करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स आर पीपल आर बर्ड्स आर एनिमल्स इन अ स्टोरी। दे हैव देयर मोटिव, देयर एक्शन, देयर एम्स इन द स्टोरी। करेक्टर्स जो है हमारे जैसे लोग होते हैं, जानवर भी होते हैं, परिंदे भी होते हैं, जिसमें हीरो भी होता है, हीरोइन भी हो सकती है। माइनर करेक्टर्स भी होते हैं जो कि इवेंट्स जो है इनकी मदद से आगे की तरफ आते हैं, स्टोरी इनकी वजह से डेवलप होती है। तो लिहाजा करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हेयर द करेक्टर ऑफ द यंग सीगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द करेक्टर ऑफ द यंग सीगल? यू हैव रेड इन द शॉर्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय फ्लैम ओ फ्लेयर्टी। उसके करेक्टर के बारे में बता दें कि उसका करेक्टर क्या था। और करेक्टर के अंदर हीरो भी होता है, उसके अंदर मेजर करेक्टर और माइनर करेक्टर भी होते हैं, जो कि हम शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ आपको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके अलावा करेक्टर्स के अंदर जो हीरो होता है, जिसको हम प्रोटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, वो हीरो जो होता है उसका जरूर इसके कोई ना कोई जो है डिस्प्यूट होता है, प्रॉब्लम्स होता है, और उस प्रॉब्लम को उसने हल करना है। उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिस्प्यूट है जो हीरो के सामने है और हीरो जो है उसको अबूर नहीं कर सकता? बेटा पेपर में आएगा। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी पर्टिकुलरली हिज फर्स्ट फ्लाइट? कॉन्फ्लिक्ट किया है, डिस्प्यूट किया है, प्रॉब्लम किया है हीरो के सामने कि जिसकी वजह से जो है आगे की तरफ वो नहीं बढ़ सकता। देखो बेटा यहां पे द करेक्टर इन दिस शॉर्ट स्टोरी इज द यंग सीगल। कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम उसके लिए किया है कि वो उड़ नहीं सकता है। ये उड़ना जो है ये प्रॉब्लम है। देखो बेटा जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट, ये डिस्प्यूट जब तक ये खत्म नहीं होता है, उस वक्त तक ये कहानी कभी खत्म नहीं होती है। और हमें पता होता है कि आखिरकार जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। और ये यंग सीगल जो है वो चूंकि हीरो है तो वो अपना आप को शो करेगा आखिर में, और आखिर में जो है ये उड़ेगा। बाकी चैप्टर्स में इंशाल्लाह आएगा और हमने देखना है कि वो फिर किस तरह उड़ता है। क्या उसके अंदर हीरो की क्वालिटी मौजूद है? जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तो शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सिटिंग जो है, टाइम एंड प्लेस, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टोरी बिकॉज द करेक्टर्स आर प्लेइंग इन अ सिटिंग विद द टाइम बिकॉज इट इज द प्लेस एंड टाइम दैट गिव्स रिलेबिलिटी टू द शॉर्ट स्टोरी दैट इट वुड कम्स लाइक रियलिटी, कि ये हकीकत पसंदाना हो जाए, हकीकत लगे। इसके लिए सेटिंग बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन क्या आएगा
इज द सिटिंग ऑफ द शार्ट्स टू इज फर्स्ट फ्लाइट इज रिलायबल डिस्कस कि अ फ्लाइट जो इस फर्स्ट फ्लाइट है इसका सिटिंग रिलायबल है. ऑफ कोर्स सिटिंग किया है जो मैंने बताया था. चट्टान है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. दूर तक समंदर फैला हुआ है और इतने दूर तक फैला हुआ है, कई मील तक फैला हुआ है, ये इसका सिटिंग है. तो सिटिंग जो है बेटा रिलायबल है. इसे हम कह देते हैं कि ये जो है सिटिंग जो है इंतहाई जरूरी है. इस पर भी बोर्ड से क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम और प्लेस जो है. और देखो बेटा इसमें भी सिंगल सिटिंग है. अभी जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट टू पैराग्राफ में आपके सामने सबसे पहले करेक्टर्स नजर आ जाते हैं. जिस तरह यहां पे करेक्टर्स यंग सीगल आया, हिज टू ब्रदर और एक सिस्टर और उसके वालिदैन. उसके बाद जो है हीरो जो है उसके सामने जो है प्रॉब्लम आ जाता है. वो प्रॉब्लम ये या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो कि वो उड़ नहीं सकता है, ये बहुत जरूरी है. उसके बाद जो है बकायदा इन करेक्टर्स की बुनियाद पर इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बुनियाद पर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है. और साथ साथ जो है सिटिंग भी नजर आ जाता है फर्स्ट टू पैराग्राफ में, टाइम एंड प्लेस. इन चीजों को जब स्टोरी प्लॉट करेक्टर कॉन्फ्लिक्ट सिटिंग आ जाता है, इसको एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के बिना पर इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन से मुराद है कि द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में करेक्टर्स आए थे, रिलायबल थे, कॉन्फ्लिक्ट आया था, सिटिंग है. अभी अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एक्सपोजिशन, इज द एक्सपोजिशन ऑफ द ड्रामा रिलायबल टू यू आर नॉट, इफ रिलायबल व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट. कि एक्सपोजिशन जो है जिसमें आपने डिस्कस करना है करेक्टर कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग प्लॉट और स्टोरी को, अगर वो रिलायबल है तो क्यों, अगर नहीं है एक्सपोजिशन होता क्या है. एक्सपोजिशन जो है बेटा मुख्तसर प्लॉट स्टोरी के बारे में, करेक्टर कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग के बारे में बताया कि क्या ये आपको अपनी तरफ खींचता है, क्या सस्पेंस हुआ है, क्या ये प्रॉपर तरीके से बताए गए हैं, इस पर बात करनी है. तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको सेकेंड लेसन में हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लैम ओ'फ्लैहर्टी ने लिखा है, जो कि शॉर्ट स्टोरी है, पहले दो पैराग्राफ आपको समझाने की कोशिश की, फिर थोड़ा शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी आपको बताया. उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम या कोई आपको समझ नहीं आई है तो आप जो है क्वेरी सेशन में अपने असातिज़ा साहिब-ए-किराम से पूछ सकते हैं. तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक बशारत सर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.